जो भाइयों बहनों हो उनको किसी प्रकार का कामकाज में परेशानी ना हो, इसके लिए इस शिक्षा सत्र में हमारे विद्यार्थियों को, अलग अलग स्कूलों के छात्र विद्यार्थियों को अलग अलग विभागों के कार्यशैली को दिखाने के लिए योजना बनाया जा रहा है, क्योंकि हम चाहे कितना भी बड़े पढ़ाई कर ले, उपाधि कर ले, लेकिन तहसील कार्यालय का अगर काम नहीं जानेंगे तो बड़े अधिकारी बनने के बाद भी तहसील कार्यालय में जाके हम वही समस्या को पूछेंगे कि ये काम कैसे होता है। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर हमको किसी जीवन से जुड़ी हुई कार्यालय के बारे में हम कैसे काम होता है नहीं जानेंगे तो हम वहीं थका जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये छोटी बेसिक समस्या है, इस समस्या को अपने स्तर से हम लोग दूर करेंगे और अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, उस तहसील कार्यालय से लेकर विधायक कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय थाना के कार्यशैली, इन तमाम कार्यों को भी सिखाने का जो है वो प्रक्रिया अभी इस यात्रा के समाप्ति के बाद में बारी बारी शुरू होगा। दूसरा, आज हमारे छोटे उम्र के जो लड़के हैं, भाई हैं, वो सब बिगड़ते जा रहे हैं ऐसा सुनने में आता है। छोटे उम्र में पीना खाना, बातें नहीं मानना, माता पिता से विपरीत चलना, अन्य इस टाइप से बातें चल रहा है। तो इसके लिए केवल माता पिता जिम्मेदार नहीं है और इसके लिए केवल आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और मैं सीतापुर में आया हूँ, आज खुलेआम बता रहा हूँ कि मैं केवल रोड, बिजली, पानी और ये पुलिया बनाने के लिए नहीं आया। ये तो बनते रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी बनते रहेंगे, लेकिन आज बच्चों का भविष्य जो बिगड़ रहा है उसको बनाने की जरूरत है और इसमें मैं आप सबका साथ चाहता हूँ। और इसके लिए मैं निरंतर सेमिनार से लेके कठोर कानून से लेके सारे चीजें हम सब लाने के लिए योजना बना रहे हैं ताकि आपका बच्चा जो है, जो आपने सपने देखे हैं वो सपने आपका पूरा हो। क्योंकि रोड खराब है आप जंप करके निकल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा अगर बिगड़ गया तो आप नहीं निकल पाएंगे, आपके सारे सपने, आपके सब कुछ टूट जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज मैं सर्व आदिवासी समाज को ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बच्चियों को कहीं भी दिल्ली, बंबई या कहीं भी बिना जाने पूछे काम के लिए मत भेजिए, कहीं भी मत भेज दीजिए। अपने बच्चों को, अपने लड़कों को मोटरसाइकिल, केटीएम, बाइक जैसा बिना उम्र का मत दीजिए। आज इतने सारे तमाम घटनाएं हो रहे हैं वो देखने से पीड़ा होता है, उम्र आएगा उसको समझाइए। तो नजर रखिए अपने बच्चों पे भी, अब आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा आपके घर से निकलने के बाद गांजा पी रहा है, आपका बेटा बाहर जाने के बाद में पार्टीबाजी करके दारू पी रहा है और आपको ऐसा समझ रहे हैं कि मेरा बेटा शरीफ तो दुनिया में कोई ही नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि दिनचर्या जिंदगी में व्यस्तता कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। आपकी खेती आएंगे, कटेंगे, फिर मिसेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन जो आपका बालक और बच्चा जो है या बेटी है, अगर उसका जीवन खराब हो गया तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए नजर रखिए, और अब अकेले आप नहीं हैं, उन पर नजर रखने के लिए हम भी हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं। और जिस दिन आप सब हम लोग मिल के नजर रखना शुरू कर दिए उस दिन सारा चीज ठीक हो जाएगा, एक तरफा नहीं होगा। कई बार ऐसे लगेगा कि नहीं, राम कुमार को यहां लाके गड़बड़ कर दिया जी, हमारे लड़का को इतने स्कूल से निकाल दिया, हमारे लड़का का मोटरसाइकिल पकड़ लिया, लेकिन वो किसके लिए है? आप एक पल सोचिए, और मैं सोचता हूं इस विषय को कि मैं चाहता हूं तो 5 साल आराम से बैठ सकता हूं ना, मुझे 8 बजे 6 बजे ऑफिस में जाके बैठने क्या जरूरत है 12 बजे, कोई जबरदस्ती थोड़ी मिलेगा, घर के बाहर में भीड़ लगा सकते हैं कभी, मैं जब अपनी टाइम होगा तब मैं आऊंगा, लेकिन नहीं, ये जो पल 5 साल का 5 साल का निकल रहा है इसको हमें पकड़ना है और एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है कि हाँ सच में हम सीतापुरवासी। और आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो समाज ने, चाहे कॉलेज के भवन का हो, चाहे स्कूल के भवन का हो, चाहे बीएड डीएड कॉलेज की मांग हो, इन तमाम मांगों को प्राथमिकता के साथ हम आगे को लेकर जाएंगे और पास करवाने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो ख्याति है केवल समाज का नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के लिए भी है।